फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको शरीर का पूरा जो मेजरमेंट है पूरा नाप लेना सिखाऊंगी, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूट बनाने के लिए कपड़ा कितना लगेगा, और सूट बनाने के लिए कपड़ा जो है वो हमारा लगेगा पूरा 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर। और ये जितने मैंने ये मतलब अल्फाबेट बनाए हैं, मैं इसको बताती हूँ। ये L लिखा है हमने लेंथ के लिए, C लिखा है चेस्ट के लिए, K लिखा है कमर के लिए, H लिखा है हिप के लिए, और B लिखा है बाजू के लिए, और N लिखा है नेक के लिए, और T लिखा है तीरे के लिए, और S लिखा है सलवार, ठीक है। और ये जो है ये है हमारे मुंडे का, कि हमने मुंडा कितना रखना है और कितनी गुलाई और कितना रखना है मुंडा हमें। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे लेंथ। ये मेरी बेटी है, मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगी कि आपने कैसे कितना कितना मेजरमेंट आपने लेना है। चलो पहले तो आपने पूछ लेना है, अगर किसी का सूट आप बना रहे हो तो उससे ये पूछ लेना कि आजकल जो चल रहा है शर्ट का जो रिवाज है वो शर्ट थोड़ी लॉन्ग चल रही है और सलवार जो है वो ज्यादा हैवी नहीं है। तो हम लोग शर्ट का नाप लेंगे यहाँ से, मुंडे से यहाँ से और गोड्डे से नीचे तक। तो इसकी शर्ट आई 38, तो ये हो गई हमारी लेंथ 38 इंच, ठीक है। अब लेना हमने चेस्ट, तो चेस्ट हमारी है 30.5। ये देखिए ये 30.5 ऐसे, मतलब हमारी जो ये फिंगर है ना ये इतना करो खुला रहना चाहिए, इतना ऐसे ऐसे। तो ये आ रही है 30.5, और इसमें प्लस करेंगे हम लोग 2 इंच। जैसे अगर आपने प्रॉपर फिटिंग का पहनना है तो ये हो गई 32.5, और 32.5 का हम लोग हाफ रखेंगे। ये आया नाप हमारा चेस्ट का 16.5 इंच, जिसके हिसाब से हमने ये बनानी है, ठीक है। अब आएगा कमर का, तो ये हमारी कमर, तो कमर का नाप आ रहा है ये देखो, ये एक फिंगर हमारी अंदर होनी चाहिए ऐसे, कमर आ रहा है 24, तो कमर को लिखेंगे हम लोग 24 प्लस इसमें 1.5 इंच करेंगे 1.5, तो ये कितनी होगी, होगी 25.5, और उसका आधा हो गया 13, ठीक है। ये हमारे जो कटिंग करनी है हमने इस नाप से करनी है, ठीक है। और अब लेंगे हम लोग हिप, तो इससे हमारी हिप का नाप यहाँ से लेना है आपने, यहाँ से, ठीक है। ये देखो हिप आ रही है हमारी 31.5, इतनी खुली होनी चाहिए कि हमारी फिंगर बीच में रहे, देखो, ठीक है, इतनी ऐसे फिंगर हमारी एक बीच में रहनी चाहिए ऐसे। तो ये हो गई हमारे 31.5, ठीक है, 31.5। तो ये आपकी इच्छा है, अगर आप इसमें भी कुछ 1 इंच अगर मेजर करना चाहते हो इसमें, तो 1 इंच आप इसमें ऐड कर सकते हो, अगर थोड़ा सा माइनर सा आप अगर खुला डालते हो, अगर अदरवाइज नहीं डालते हो तो इसी का सीधा हाफ रख लेना हमने। तो मैंने इसमें 1 इंच ऐड किया है, तो ये हो गई 32.5, और उसका हाफ हो गया 16.5। ये कटिंग वाले नाप है ये सब, ठीक है। आपने अगर कभी भी सूट बनाना है तो इसी हिसाब से नाप लेके और इसमें ऐड करके अगर आप फिटिंग वाला डालते हो तो, ठीक है। बाजू, तो बाजू ये देखो, बाजू अगर आपने कोने बनाने हैं, कोने के लिए रखी है हम लोग 14 इंच, इतनी कर चलती है कोने इंच के, जैसे कोने बाजू अगर हम लोग बनाते हैं 14, और इसकी मोरी जो है ये 8 का हाफ हो गया 4, ठीक है। तो बाजू हो गए हमारे पौने बाजू, तो 14 और 4। अगर बाजू छोटे बनाने हमने तो उसका भी नाप अभी ये ऐसे
यहां से रख के पांच और ये साढ़े नौ, और साढ़े नौ का हाफ पांच, और साढ़े नौ का हाफ हुआ पौने पांच, पौने पांच। ये अगर छोटे मज्जू बनाने हैं। अब आते हैं नेक पे, तो नेक हमें ये रखो सेवन इंच, सेवन इंच और सेवन रखो या सिक्स एंड हाफ रखो, ये आपकी इच्छा है कि आप कितना डीप डालते हो। तो ये देखो मैं इसका साथ रख रही हूँ आगे का, और बैक का भी, क्योंकि गर्मी है, अगर कॉटन का सूट बनाएंगे और गर्मी का मौसम है, आगे फिर बरसाते आएंगे, तो आप साथ या बैक का भी साथ रखें और आगे का भी साथ रखें। ये नॉर्मल गले आते हैं साथ साथ। और ये जो मैंने बनाया है बॉक्स, आपने अगर जैसे मेरी बेटी पतली है, अगर आप किसी पतले का या अपना भी आप खुद अगर पतले हो, थोड़े पतले हो, तो आपने जो या तो आप अपने आप गला बनाते हो तब भी ठीक है, या रेडीमेड भी मिल जाते हैं, रेडीमेड में बनाते हो, तो ये जो इसकी जो विड्थ होती है ना गले की, ये वाली, तो ये आपने साढ़े पांच ही रखनी है चौड़ाई इसकी बनाते टाइम, और ये नीचे को इसकी डीपनेस होगी, तो ये सात, ठीक है। तो अगर रेडीमेड अगर बनाओगे आप गला, तो वो उसमें तो आठ इंच, साढ़े आठ इंच तक काटते हैं, तो आप उसको काट के छोटा कर सकते हो, पर विड्थ इसकी इतनी रखनी है, नहीं तो इसका जो तीरा है ना वो फिर नीचे गिरता रहता है, ठीक है। अब आगे हम लोग तीरे पे, तो तीरे पे ये बैक, ये देखो यहाँ पे जो शोल्डर पे एक हड्डी होती है, ये 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 ऐसे, ठीक है। तो इसका ये यहाँ पे इसका तीरा जो है वैसे बारह आ रहा है, बारह, और फ्रंट वाला जो है तो उसको हम लोग हाफ इंच कम कर देते हैं तीरा। ये बैक का है, ये फ्रंट का है। हाँ, ये तीरा आप जैसे बना रहे हो शर्ट, अगर ये देखेंगे हम लोग नेक के हिसाब से, अगर हमारा नेक जो डीप है आगे पीछे का, तो इसका जो तीरा है वो आएगा साढ़े पांच, साढ़े पांच आगे से, और नीचे आएगा पांच। ये मैं आपको ना साथ साथ में अगली वीडियो में बताऊंगी कि ये कैसे रखना है आपने, ये जो मैंने बताया ना ये आपने कैसे रखना है, ठीक है। तो अगर ये इस नाप का अगर आप किसी का सूट बना रहे हो, तो और इतना नेक है तो आपने इतना ही बनाना है, अगर हाँ इससे कम ज्यादा है तो ये, अगर इसमें बैन वाला नेक बनाते हो आप यही, तो बैन वाले में क्या है छह इंच अगर आपने आगे का रखा और बैक रखा आपने, बैक में आएगी बैन, तो ये ही तीरा जो है वो बढ़ जाएगा, ये साढ़े बारह के करीब चला जाएगा, साढ़े बारह और आगे रहेगा बारह, ठीक है। अब मैं आपको सलवार का मेजरमेंट दूंगी, सलवार आप जब भी बनाते हो तो उसको पकड़ा के कि आप कहां पे बांधते हो, वहीं पे रखे तो आपने पूरा अंगूठे तक ऐसे, ठीक है। तो इसकी सलवार आ रही है साढ़े सैंतीस, ये देखो साढ़े सैंतीस आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे नाप लेना है, तो ये साढ़े सैंतीस हमारी आ रही है, ठीक है। तो ये होगी सलवार की लेंथ साढ़े सैंतीस, ठीक है। अब मोरी नॉर्मल चलती है, ठीक है, मोरी आएगी इसकी, इसने बनवानी है छह इंच, और उसकी जो विड्थ है तो आपने ऐसे लिखना है, ये होगी लेंथ उसकी, तो ये होगी विड्थ, विड्थ रखनी है आपने टू एंड हाफ इंच चल रही है, और बेल्ट, बेल्ट रखनी है आपने जो हिप का हमने नाप लिया इससे तीन इंच इसमें ऐड करके, तो सोलह है, तो सोलह प्लस तीन उन्नीस इंच, और कटिंग कितने की करनी है आधा इंच बढ़ा के, इसमें उन्नीस में भी एक प्लस कर लेना है, ठीक है। ये होगी बीस, 20 इंच की आप कटिंग करोगे और आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलने में चला जाएगा, तो 19 इंच बचेगा, ठीक है। अब बारीक क्या रहता है, अब इसका इसका रहता है ये मुंडा, ये हम लोग कितना रखेंगे, अगर आपको इसका नहीं पता चलता है तो जो हमारी ये 16 इंच आया ना, 16 डिवाइडेड बाय 5,
16 का डबल 32.5 है, 32.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 30, 4 बचे 0, 5 20, ठीक है। तो ये 6.5 मतलब 5.5, और इसका जो हम लोग मुंडे के नीचे को डेप्थ रखेंगे ऐसे जैसे हम लोग कटिंग कर रहे हैं ऐसे, ये चीज आती है इसमें, ये चीज, ये तो ये जो हमारा ये जो आएगा ना ये चीज है, ये चीज तो ये आएगा 6.5, और ये जो है ये रखेंगे हम लोग 5.5 इसका, ठीक है। ये ऐसे फिर बन के आएगा, ये जो लंबाई है ये 5.5 रखेंगे, और ये जो चीज है ये यहाँ से जो गहराई है इसकी ये 1/4 इंच की देंगे, 1/4 इंच, 1/4 इंच, ठीक है। ऐसे बना के तो ये 5.5, और ये जो है 6.5 7 तक चला जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया, और अब बाकी वैसे मैक्सिमम तो ये पूरी हमारी जो मेजरमेंट है ना ये हो गई कि कैसे आपने नाप लेना है, कितना इसमें ऐड करना है, आपने किस हिसाब से, अब ये मैंने आपको मेजरमेंट करने जो है आपको पूरा बता दिया। और इसमें कपड़ा लगेगा 4 मीटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मैंने नाप लेना आपको बताया, बेसिक जो टिप्स जितने भी दिए हैं वो आपको अच्छे लगेंगे, समझ में आएंगे। और अगर इस हिसाब से इस नाप पे आप सूट कटिंग करोगे तो आपका सूट नेचुरली जो बहुत बढ़िया बनेगा। तो प्लीज़ आप इसको एक बार ट्राई करिए, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, नहीं पता चलती है, तो मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। हाँ गाइस, सॉरी मैं आपको दोबारा ये थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी ना दो चीज़ें में जो मेरे दिमाग से ना निकल गई थी, क्योंकि जो कमर का निशान लगना है वो कहाँ से कैसे लगाना है वो मैं आपको बताना भूल गई थी। और हिप का वो तो देखो, ये देखो, अगर यहाँ से आप ये जो चेस्ट है ना यहाँ तक, ये है हमारा ये 12.5 पे कमर का जो निशान है हम लोग 12.5 पे लगाएंगे, ठीक है। ये देखो 12.5 पे, ठीक है, ये हमने लिखा यहाँ पे, ये निशान हम लोग 12.5 पे लगाएंगे, ठीक है। और हिप का जो निशान है तो हिप का निशान यहां से, चाहे आप यहां से ले लो, ये देखो यहां से मुंडे से ले लो, अगर आपको नहीं पता चलता है तो यहां से ले लो, ठीक है। ये भी हमने, ये आ रहा है हमारा ये इतना 13 पे, ठीक है, ये आप 13 पे, ठीक है। तो ये आपने कैसे लेना है, जब आपने ये मुंडे का निशान लगा लिया इधर से 7 इंच, चाहे आपका 7 इंच है, चाहे 6 इंच है, चाहे 5.5 है, जितना भी है, तो उधर से हमने पहले तो इधर से रखना है, इधर से जहां से तीरे का निशान लगाते हैं इधर से इधर तक, ठीक है। ये 12.5 है, ठीक है, 12.5 का निशान लगा लिया हमने। फिर जो ये मुंडे का, जो मुंडे के जो जितना भी 5.5 है या 6 है या 7 है, तो इधर से हमने इंची टेप रख के ये ऐसे ये 13 पे जो हिप का निशान लगाएंगे तो ये हम लोग 13 पे, ठीक है। तो ये 13 पे लगाना है हमने, हिप का निशान 13 पे और कमर का निशान 12.5 पे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसी के, अपनी बेटी का जो नाप मैंने आपको लेके दिखाया है इसी के नाप का आपको सूट बना के दिखाऊंगी, और साथ साथ में आपको बताऊंगी कि ये मैंने मेजरमेंट डाली थी तो ये ऐसे ऐसे मैंने बनाया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सॉरी मैंने आपको दोबारा से अगेन ये चीज बताई। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।